नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूँ सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, पहले हम अपने चैप्टर का नाम जानेंगे। जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं सभी बच्चे, याद रखिएगा हमारे चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो बच्चे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उसमें अनेकों खनिज मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण भारत के पश्चिम और पूरब अगर आप दोनों तटीय क्षेत्रों को देखें तो वहाँ पर जो तलछटी चट्टानें हैं या अवसादी चट्टान हैं उन दोनों में क्या मिल रहा था, बड़े पैमाने पर खनिज तेल मिल रहा था। क्लियर है बच्चे? चलिए यहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको एक और बात बता दूं बच्चे कि प्रायद्वीपीय चट्टानों के साथ राजस्थान में भी अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। इस बात को भी हमें याद रखना है बच्चे कि राजस्थान में भी अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं, अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। अलौह खनिज का मतलब हो गया बच्चे ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं हो। क्लियर है बच्चे? तो आपको ये बात याद रखना है कि राजस्थान में भी जो है अनेक अलौह खनिज क्या हो जाते हैं बच्चे, पाए जाते हैं। अच्छा, अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं, मतलब राजस्थान से अलग हटकर अगर मैं उत्तर भारत के पूरे मैदान की बात करूं, यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि उत्तर भारत के जो मैदान है के मैदान में खनिज नहीं मिलते हैं। इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि उत्तर भारत के जो मैदान हैं उसमें मैदान में खनिज नहीं मिलते हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि उत्तर भारत के मैदान में भी क्या है, खनिज है। तो हमने देखा बच्चे कि दक्षिण भारत के शैलों में खनिज है, राजस्थान में भी अनेक अलौह खनिज है, लेकिन अगर मैं उत्तर भारत के मैदान की बात करूं, विस्तृत पूरे मैदान की अगर बात की जाए बच्चे, तो उत्तर भारत के मैदान में खनिज क्या है, वो नहीं है, खनिज विहीन है। क्लियर है? चलिए बच्चे, अब हमें क्या करना है कि भारत में कुछ खनिजों के वितरण को पढ़ना है। याद रखिएगा बच्चे कि भारत में बहुत प्रकार के खनिज है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन हमें कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करना है। पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो चलिए देखते हैं कि भारत के प्रमुख खनिज क्या है। क्लियर है बच्चे? चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं। तो बच्चे, हमें भारत के प्रमुख खनिजों की बात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हम प्रमुख खनिजों की बात करेंगे तो बच्चे क्यों ना हम पहले लौह खनिज से स्टार्ट करें। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे कि भारत के प्रमुख खनिज में पहले कौन है बच्चे, लौह खनिज। चलिए जरा लौह खनिज यानी लोहे के अंश वाले खनिजों की बात की जाए। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा कि जो लौह खनिज है ये धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन में, बच्चे केयर कीजिएगा कि जो धात्विक खनिज का कुल उत्पादन है उसमें लगभग उसके मूल्य का 3/4 भाग बच्चे लौह खनिज से मिलता है। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो है ये धात्विक खनिज के मूल्य के, याद रखिएगा बच्चे कि जो लौह खनिज है वो धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के, ऐसे भी आप देख सकते हैं बच्चे कि धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग, याद रखिएगा बच्चे कितना मैंने आपको बताया बेटा, 3/4 भाग योगदान करता है। 3/4 भाग क्या करता है बच्चे, योगदान करता है। तो हमने ये देखा बच्चे कि जो लौह खनिज है वो जितने भी धात्विक खनिज है भारत में उसके टोटल के उत्पादन मूल्य का जो 3/4 भाग है बच्चे वो अकेला कौन देता है, लौह खनिज देता है। क्लियर है? और याद रखिएगा हम लौह खनिज का बड़ी मात्रा में निर्यात भी करते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि हम इसका बड़ी मात्रा में क्या करते हैं बच्चे, निर्यात भी करते हैं, बड़ी मात्रा में निर्यात भी करते हैं। तो हमने देखा कि हम लौह खनिज का बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, निर्यात भी करते हैं। क्लियर है? चलिए अब जरा लौह खनिज में पढ़ना शुरू करें। तो बच्चे लौह खनिज में जो सबसे पहले मैंने खनिज लिया है वो लिया है बच्चे लौह अयस्क।
पहले कौन सा लिया है हमने, लौह अयस्क। तो चलिए जरा अब लौह अयस्क को पढ़ना शुरू करें। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि लौह अयस्क जो है एक आधारभूत खनिज है, क्लियर है, और ये औद्योगिक विकास के रीढ़ है। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि लौह अयस्क क्या है, एक आधारभूत खनिज है, और दूसरा ये औद्योगिक विकास की क्या है, रीढ़ है। तो हमने देखा कि लौह अयस्क क्या है बच्चे, पहले तो हमने ये देखा कि ये क्या है, एक आधारभूत खनिज है, यानी ये बेसिक चीज है बच्चा, आधारभूत खनिज है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो लौह अयस्क है वो औद्योगिक विकास की क्या है, रीढ़ है। औद्योगिक विकास की क्या है, रीढ़ है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि लौह अयस्क जो है एक आधारभूत खनिज है, और आधारभूत खनिज होने के साथ साथ पूरे उद्योग धंधों के विकास के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए हम इसे औद्योगिक विकास की क्या कहते हैं, रीढ़ कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि भारत में इसके विपुल संसाधन भी विद्यमान है। याद रखिएगा कि भारत में इसके क्या है बच्चे, विपुल संसाधन विद्यमान है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में है भी। विपुल संसाधन क्या है, विद्यमान है। तो हमने देखा कि लौह अयस्क एक तो आधारभूत खनिज है, दूसरा ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है, तीसरा भारत में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, विपुल संसाधन क्या है इसके, भारत में विद्यमान है। और बच्चे एक बात याद रखिएगा कि उच्चतम कोटि के लौह अयस्क में भी क्या है, हम धनी है। इस बात को भी हमें याद रखना है कि विपुल संसाधन विद्यमान है और उच्च कोटि के लौह अयस्क में भी हम क्या है, धनी है। उच्च कोटि के लौह अयस्क में धनी है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि भारत में इसके विपुल संसाधन है और साथ ही साथ उच्च कोटि के लौह अयस्क में भी क्या है, भारत धनी है। और बच्चे याद रखिएगा कि जो मैग्नेटाइट है वही सर्वोत्तम लोहा है। इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे कि जो मैग्नेटाइट है ये लोहे का एक प्रकार है बच्चे। तो मैग्नेटाइट क्या कहा जाता है, ये सर्वोत्तम लोहा है। मैग्नेटाइट ही क्या है बच्चे, सर्वोत्तम लोहा है। तो याद रखिएगा कि लोहे के अलग अलग प्रकार में जो मैग्नेटाइट प्रकार है वही मैग्नेटाइट जो है उसे हम क्या मानते हैं, सर्वोत्तम लोहा मानते हैं, सबसे बढ़िया लोहा मानते हैं, क्लियर है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि लोहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है बच्चे कि इसमें लगभग 70% लोहाश्म है, यानी मैग्नेटाइट में ये देखा जा रहा है बच्चे कि मैग्नेटाइट के अंदर 70% लोहांश है, यानी लोहे का क्या है, अंश है। तो सोच सकते हैं कि मैग्नेटाइट जो अयस्क है बच्चे, उसमें हमने ये देखा कि मैग्नेटाइट अयस्क में ही या लोहे में 70% लोहे का अंश है, ये तो बहुत ज्यादा बच्चे। तो सोचिए अगर 70% लोहे का अंश है, इसका मतलब है ये तो सर्वश्रेष्ठ ही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है बच्चे, इसमें बहुत अच्छा चुंबकीय गुण है। इस बात को भी याद रखना है कि इतना ज्यादा लोहाश्म है इसलिए इसमें बहुत अच्छा क्या है, चुंबकीय गुण भी है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो इस बात को याद रखना है कि मैग्नेटाइट जो है वो सर्वोत्तम लौह अयस्क है, लेकिन याद रखिएगा इसलिए सर्वोत्तम लौह अयस्क है क्योंकि इसमें 70% लोहाश्म भी है बच्चे, और याद रखिएगा चुंबकीय गुण में भी ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही श्रेष्ठ है। अच्छा, और एक चीज हमें याद रखना है, ये विद्युत उद्योग में बहुत उपयोगी है। किस उद्योग में उपयोगी है बच्चे, विद्युत उद्योग में। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि इसकी खूबी के कारण हम अगर हम देख रहे हैं तो ये विद्युत उद्योग में बहुत ही उपयोगी है। विद्युत उद्योग का मतलब होता है बच्चे कि जहां बिजली बनती हो। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये जो विद्युत का जो उद्योग है उसमें भी ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तक समझ में आया, चलिए। अच्छा, ये तो एक प्रकार मैग्नेटाइट था बच्चे। जो अगला प्रकार लोहे का है वो क्या है, हेमेटाइट है, क्लियर है। तो थोड़ा हेमेटाइट के भी नेचर को जाने, पहले मैं ये मिटा दूं बच्चे, ये आप सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए जरा हेमेटाइट के नेचर को जानते हैं बच्चे। आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर है। मैं मिटा रहा हूं, ठीक।
अच्छा, अगला जो अयस्क बच्चे मैंने आपको बताया, उस अयस्क का क्या नाम है? हेमेटाइट। क्लियर कीजिएगा बच्चे, अगला क्या है? हेमेटाइट। नाउ, अब हेमेटाइट के बारे में एक बार जान लीजिए बच्चे। जो हेमेटाइट है उसको महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क कहते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो हेमेटाइट है वो क्या है, ये महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, ये हेमेटाइट को हम महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क कहते हैं। क्लियर है? तो ये भी देखा गया कि हेमेटाइट जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चे एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो लोहे की मात्रा है वो मैग्नेटाइट से कम है। इस बात को याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट से इसमें क्या है, लोहाश्म की मात्रा थोड़ी कम है। क्लियर है बच्चे? लोहांश की मात्रा कम, किसकी तुलना में बच्चे? उसकी तुलना में, मैग्नेटाइट की तुलना में। तो हमने देखा कि हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा भी क्या है बच्चे, कम है। अच्छा, याद रखिएगा कि इसका बहुत अधिक मात्रा में उपभोग हुआ है। इस बात को भी याद रखिएगा कि इनका अधिक उपभोग हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना बच्चे, ये महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है। तो याद रखिएगा इनका अधिक क्या हुआ है बच्चे, उपभोग हुआ है। इनका अधिक क्या हुआ है, उपभोग हुआ है, क्योंकि ये औद्योगिक अयस्क है और उद्योग धंधों में हेमेटाइट की मांग बच्चे ज्यादा है। इसलिए हमने देखा कि इनका अधिक मात्रा में क्या हुआ है, उपभोग हुआ है। और मैंने कहा था ना बच्चे लोहाश्म की मात्रा कम है, तो जो लोहाश्म की मात्रा कम है आप ऐसे कर सकते हैं बच्चे, वो कितना है, 50-60% है, और इनका बहुत ही अधिक क्या हुआ है, उपभोग हुआ है। क्लियर है? चलिए बच्चे, अब हमें ये सीखना है कि भारत में जो लौह अयस्क है वो कहाँ मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि भारत में लौह अयस्क की क्या है, पेटियाँ हैं, बेल्ट है। तो जरा सीखते हैं कि भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ या बेल्ट कहाँ पर हैं और कहाँ पर जो है बच्चे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क मिलते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए सभी बच्चे, भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, भारत में लौह अयस्क की पेटियां। क्लियर है बच्चे? चलिए अब जरा भारत में लौह अयस्क के पेटियों की हम बात करते हैं। बच्चे याद रखिएगा कि भारत में खास खास कुछ क्षेत्र हैं जो पूरे लौह अयस्क के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, वहीं पर लौह अयस्क मिलता है, इसलिए हम उसे एक पेटी या बेल्ट के रूप में बोलते हैं। क्लियर है? तो बच्चे हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट वो है उड़ीसा झारखंड पेटी। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, हमारी पहली पेटी क्या है, उड़ीसा झारखंड पेटी। तो हमारी सबसे पहले पेटी जो हमें मिली वो मिली हमें बच्चे क्या, उड़ीसा झारखंड पेटी। अब जरा देखना है कि उड़ीसा झारखंड पेटी में कहाँ कहाँ। तो बच्चे याद रखिएगा कि मैं अगर सबसे पहले आपको अगर उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में बच्चे दो जिले हैं। एक जिले का नाम है मयूरभंज। क्या नाम है बच्चे? मयूरभंज। क्लियर है? अच्छा, तो मयूरभंज और दूसरा जिला है बच्चे केंदुझार। मयूरभंज एवं केंदुझार जिले हैं बच्चे, केंदुझार। क्लियर है? ठीक है, यहां देखिए बच्चे केंदुझार जिला। तो याद रखिएगा कि उड़ीसा के दो जिले हैं मयूरभंज और केंदुझार। इन दोनों जिलों में बच्चे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का क्या नाम है, बादाम पहाड़। क्या नाम है बच्चे? बादाम पहाड़। तो हमने देखा कि उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझार जिले में एक पहाड़ है जिसका नाम है बादाम पहाड़। और ये जो बादाम पहाड़ है बच्चे, यहीं पर लोहे का क्या है, खादान है, और यहाँ बड़े पैमाने पर लोहे के भंडार है। लोह इसके क्या है बच्चे, भंडार। तो इस बात को आपको याद रखना है कि उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझार जिले में जो बादाम पहाड़ है वहां पर जबरदस्त लोहे की खान है। अब जरा झारखंड की बात करते हैं। तो बच्चे झारखंड में याद रखिएगा कि झारखंड में जो जिले हैं, जैसे सिंहभूम जिला। क्लियर है बच्चे? तो इस बात को याद रखिएगा कि झारखंड के सिंहभूम जिले में गुवा और नोवा मुंडी। क्लियर है? यहां देखिए बच्चे सभी, झारखंड में सिंहभूम जिला। क्या नाम है बच्चे? सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिला में दो खान है बच्चे, एक का क्या नाम है, गुवा, और दूसरे का नाम है नोवा मुंडी। क्लियर है? गुवा एवं
नुआ मुंडी, क्लियर है। तो याद रखिएगा बच्चे कि गोवा और क्या नाम है ये गोवा और नुआ मुंडी, गोवा और नुआ मुंडी ये सब क्या है बच्चे खदान है, यहाँ क्या है ये सभी खदान है। और याद रखिएगा इन दोनों खदानों में जो आपको लोह मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं हेमेटाइट लोह अयस्क। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा अयस्क है हेमेटाइट अयस्क है। तो देख सकते हैं बच्चे कि उड़ीसा झारखंड पेटी में उड़ीसा का मयूरभंज और केंदुझार जिले में जो बादाम की पहाड़ी है उसके खदान में भी हेमेटाइट अयस्क है। उसी तरह झारखंड में सिंहभूम जिले में जो गुवा और नुआमुंडी की खदान है उसमें भी क्या है बच्चे हेमेटाइट अयस्क है। और ये भारत का एक प्रमुख जो है लोह अयस्क का क्या है बच्चे बेल्ट है पेटी है। यहाँ तक समझ में आई बच्चे? चलिए दूसरी पेटी पर हम चलते हैं। जो हमारी दूसरी पेटी है बच्चे उसका नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। पहले मैं इसको मिटा दूं, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, क्लियर है बेटा। चलिए यहां देखिए सभी लोग दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो बच्चे ये हमारा अगला बेल्ट हो गया दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी, क्लियर है बच्चे। याद रखिएगा कि दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर जो पेटी है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये कहाँ है बच्चे? तो याद रखेंगे कि ये है छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों में। इस बात को याद रखना है बच्चे कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है जो छत्तीसगढ़ और कहां पर है महाराष्ट्र राज्य में है। और याद रखिएगा बच्चे कि बस्तर के बैला डीला, याद रखिएगा बच्चे बस्तर के जो बैला डीला में पूरा हेमेटाइट है। यानी हमने ये भी देखा बच्चे कि बस्तर में क्या नाम है खान का बच्चे बैला डीला, बैला डीला में याद रखिएगा 14 जमाव हैं। लोह अयस्क के कितने जमाव हैं बच्चे? 14 जमाव हैं। तो याद रखेंगे सभी लोग कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है तो बस्तर में ही बच्चे बैला डीला खान है। तो बैला डीला के क्षेत्र में पहाड़ी में ये देखा गया है कि यहाँ पर पूरा हेमेटाइट अयस्क है बच्चे, और वो हेमेटाइट के कितने जमाव हैं? 14 जमाव हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हमने यहाँ पर देखा कि हेमेटाइट के कितने जमाव हैं, 14 जमाव है। यानी बड़े पैमाने पर यहाँ भी क्या है हेमेटाइट लोह अयस्क है, क्लियर है बच्चे। अच्छा याद रखिएगा कि यहाँ से अयस्कों को हम विशाखापत्तनम के पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात करते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि यहाँ के लोह अयस्क को हम कहाँ ले जाते हैं? विशाखापत्तनम पत्तन से हम इस पत्तन से इसको कहाँ भेज देते हैं? जापान भेज देते हैं एवं दक्षिण कोरिया को हम निर्यात करते हैं। दक्षिण कोरिया को क्या कर देते हैं बच्चे? हम निर्यात करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है उसके बैला डीला में हेमेटाइट लोह अयस्क के 14 जमाव है। और यहाँ से हम हेमेटाइट लोह अयस्क को कहाँ लेकर आते हैं? विशाखापट्टनम लेकर आते हैं। और बच्चे विशाखापट्टनम में क्या है? उनका पत्तन है, बंदरगाह है। यहाँ पर इस सामान को हम लोड करते हैं बड़े बड़े जहाज़ों पे और जापान और दक्षिण कोरिया को क्या कर देते हैं? हम निर्यात कर देते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है चलिए हम अगली पेटी पर चलते हैं। बच्चे जो हमारी अगली पेटी है वो है बल्लारी चिक्कमंगलूर चित्रदुर्ग तुमकुरु पेटी। ठीक है पहले मैं इसे मिटा के लिख देता हूँ बच्चे। ओके चलिए हम अपनी अगली पेटी की ओर चलते हैं। बच्चे हमारी अगली पेटी है बल्लारी, क्लियर है बच्चे, चित्रदुर्ग, ओके, फिर चिक्कमंगलूर, क्या बच्चे? चिक्कमंगलुरु, चिक्कमंगलुरु तुमकुरु, क्या बच्चे? तुमकुरु पेटी, तुम कुरु
पेटी। तो बच्चे ये हमारे लौह अयस्क की अगली पेटी है, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी, देख सकते हैं बच्चे। और याद रखिएगा ये सारी, ये कहां पर है, कर्नाटक में, और कर्नाटक में इस पेटी में बच्चे बृहत भंडार संचित है। याद रखिएगा कि ये पेटी कहां पर है, कर्नाटक में, और कर्नाटक में यहां संचित भंडार है बच्चे, बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या है, संचित भंडार है। तो इस बात को याद रखना है आपको बच्चे कि बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरु जो पेटी है वो कर्नाटक में है, और कर्नाटक में इस पेटी में देखा गया है बच्चे कि लौह अयस्क के बहुत ही बड़े क्या है, संचित भंडार है, बड़े पैमाने पर क्या है यहाँ पर बच्चे, लोहा है। क्लियर हो चुका, ठीक। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा कि अगर हम पश्चिमी घाट में एक कुद्रेमुख पर जाएं, बच्चे याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट ये कहाँ पर है बच्चे, ये है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में एक खान है बच्चे जिसका नाम है कुद्रेमुख, क्या है बच्चे, कुद्रेमुख खान। ये जो खान है बच्चे ये शत प्रतिशत निर्यात खान है, याद रखिएगा बच्चे, शत प्रतिशत क्या है, निर्यातक खान है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो भी लोहा है हम उसका 100% क्या कर देते हैं बच्चे, शत प्रतिशत क्या कर देते हैं, हम उसे निर्यात कर देते हैं। ये निर्यात के लिए है पश्चिमी घाट का कुद्रेमुख खान। क्लियर है। अच्छा, और याद रखिएगा बच्चे कि यहां पर संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से ये एक निक्षेप है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में ये एक है, संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में एक है, सबसे बड़े निक्षेपों में एक है। तो हम देख सकते हैं कि कुद्रेमुख खान भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्यों, क्योंकि संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में एक निक्षेप क्या है, यहां पर है, जिसका नाम है कुद्रेमुख खान। क्लियर है। अच्छा, फिर कहते क्या करते हैं बच्चे कि इनको हम पाइपलाइन से, क्या करते हैं, पाइपलाइन से बगल में जो बंदरगाह है मंगलुरु वहां ले आते हैं, और फिर वहां से क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। इसका मतलब आपने देखा कि इसे पाइपलाइन से, पाइपलाइन से कहां लेकर आते हैं, मंगलौर, कहां लेकर आ जाते हैं बच्चे, मंगलौर, मंगलौर इसका क्या है, निर्यात, ये बच्चे बंदरगाह है, तो हम इसे कहाँ ले आते हैं, मंगलोर ले आते हैं, या बच्चे आप इसी को मंगलुरु भी बोलते हैं, मंगलुरु पत्तन लाते हैं। क्लियर है बच्चे, मंगलुरु पत्तन लाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि हम यहां से इसे कर्दम बनाकर मिक्स करके क्या करते हैं, पाइपलाइन से मंगलुरु पत्तन लाते हैं, और यहां से इसे क्या किया जाता है, हर जगह बच्चे निर्यात कर दी जाती है, क्योंकि कुद्रेमुख के बारे में मैंने क्या बताया कि ये शत प्रतिशत क्या है बच्चे, निर्यातक खान है। यहां तक सबको समझ में आए, ठीक है। चलिए बच्चे, यहां हमने लौह अयस्क को अच्छे से सीखा, अब जरा दूसरी खनिजों पर चलते हैं। तो बच्चे हमारा जो अगला खनिज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बच्चे, उसका नाम है मैग्नीज। पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए बच्चे अब जरा मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज, क्लियर है ना बच्चे। एक बात याद रखिएगा कि जो मैग्नीज है वो इस्पात के निर्माण में प्रयोग होता है। याद रखेंगे कि मैग्नीज का प्रयोग कहाँ होता है बच्चे, तो याद रखना है कि इस्पात के निर्माण में प्रयोग होता है, इस्पात के निर्माण में प्रयोग होता है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा कि मैग्नीज का कहाँ प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे बच्चे इस्पात के निर्माण में, जो हम स्टील बनाते हैं इस्पात के निर्माण में किसका प्रयोग होता है बच्चे, मैग्नीज का प्रयोग होता है। और याद रखेगा कि 10 टन इस्पात में 1 किलो मैग्नीज लगती है, इसका मतलब है कि अगर 10 टन आपने इस्पात बनाया है तो 10 टन इस्पात में बच्चे 1 किलोग्राम क्या लग जाता है, मैग्नीज लग जाता है। तो देख सकते हैं कि वाकई मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या बनाना है, इस्पात बनाना है, ठीक है बच्चे। मैग्नीज का जो उपयोग है वो विविध चीजों में, अलग अलग चीजों में, याद रखिएगा कि मैग्नीज से हम क्या क्या बनाते हैं, जरा मैग्नीज के उपयोग की बात कर ले बच्चे।
तो मैग्नीज के उपयोग में याद रखिएगा, हाँ ब्लीचिंग पाउडर, हम इससे ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते हैं बच्चे, ठीक। फिर कीटनाशक, कीटनाशक इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए बच्चे इंसेक्टिसाइड कहते हैं, तो हम इससे ब्लीचिंग पाउडर भी बनाते हैं, कीटनाशक भी बनाते हैं, दवाएं बनाते हैं, पेंट बनाते हैं। याद रखिएगा बच्चे, हम मैग्नीज से तरह तरह की दवाएं भी बनाते हैं और दवाओं के साथ साथ हम क्या बनाते हैं, पेंट भी बनाते हैं। तो हमने देखा कि इसका उपयोग क्या है, आप ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, दवाएं और पेंट बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आए? अच्छा, याद रखिएगा सभी बच्चे कि उड़ीसा इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखना है हमें कि उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो हमने ये भी देख लिया कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा है। क्लियर हो गया? अच्छा, भारत का लगभग एक तिहाई उत्पाद किसने किया था, उड़ीसा ने। इस बात को याद रखिएगा कि लगभग भारत का एक तिहाई उत्पाद उड़ीसा ने किया था 2000 और 2001 में। सभी लोग याद रखिएगा कि उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और 2000-2001 के आंकड़ों को देखेंगे बच्चे तो भारत का एक तिहाई उत्पादन किसने किया था, तो अकेले उड़ीसा ने किया था। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब तो बच्चे हमने लौह खनिजों की बात की, अब थोड़ा अलौह खनिजों की भी बात की जाए। क्लियर है? पहले मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। चलिए बच्चे हम अलौह खनिज की तरफ चलते हैं, हमें भारत के प्रमुख खनिजों के वितरण को अच्छे से समझ लेना है। क्लियर है? चलिए ना, अलौह खनिज, क्लियर हो गया बच्चे? ना बच्चे याद रखिएगा कि अलौह खनिज में लोहे कांस नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अलौह कह देते हैं। तो इसका भंडार और उत्पादन हमारे यहाँ संतोषजनक नहीं है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अलौह खनिज का भंडार एवं उत्पादन, अगर मैं दोनों की बात करूं बच्चे, तो संतोषजनक नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि भारत में अलौह खनिजों का भंडार और उत्पादन दोनों ही क्या है बच्चे, संतोषजनक नहीं है। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से खनिज आते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना, सब इसी में आता है बच्चे। तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना। तो बच्चे आप वाकई अंदाजा लगा सकते हैं सोना, तांबा ऐसी चीजों को सोचकर कि इसका भंडार और उत्पादन हमारे यहाँ क्या है, संतोषजनक नहीं है, उतना कंफर्टेबल नहीं है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले जरा हम तांबा की बात करते हैं। बच्चे याद रखिएगा, तांबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तांबे की एक खूबी जान लीजिए बच्चे कि इसका भंडार और उत्पादन दोनों जो है अब न्यून हो चुका है। याद रखिएगा, इसका भंडार और उत्पादन क्या है, न्यून है, यानी अब बहुत कम हो चुका है। हमने इतना यूज कर लिया बच्चे कि भंडार एवं उत्पादन दोनों ही क्या है बच्चे, कम है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर तांबा का भंडार यूज किया है, उत्पादन कर लिया है, इसलिए अब तांबे का भंडार और उत्पादन दोनों ही क्या है बच्चे, चरम रूप से कम है, क्रांतिक रूप से कम है, फाइनली कम है। समझ बच्चे, क्रांतिक का मतलब होता है अंतिम रूप से, चरम रूप से, फाइनली। तो हमने देखा कि तांबे का भंडार उत्पादन दोनों ही क्या है बच्चे, कम है। क्लियर है? अच्छा, अब तांबे की खूबियां बच्चे याद रखिएगा कि तांबा जो है वो घात वर्ध्य है। घात क्या है बच्चे, वर्ध्य है। तो पहले हमें समझना है कि घात वर्ध्य क्या होता है बच्चे। घात वर्ध्य का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को पीटे तो उसकी लंबाई बढ़े। तो याद रखिएगा कि तांबे पर अगर आप चोट करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, इसी को क्या बोलते हैं, घात वर्ध्य। क्लियर है? ठीक। साथ ही साथ बच्चे इसका एक और नेचर है, यह तन्य है। तन्य मतलब जिसको आप खींच के तार बना सके बच्चे। देखते हैं तांबे की तार होती है, इसका मतलब है कि हमने तांबे को खींच खींच कर क्या बनाया, तार बनाया। तो तांबे की खूबी है यह घात वर्ध्य भी है, और घात वर्ध्य के साथ क्या है बच्चे, ये तन्य भी है। और याद रखिएगा, तन्य होने के साथ साथ ये क्या है, सुचालक है। सुचालक का मतलब है इसमें बिजली और हीट, उष्मा क्या कर सकती है,
पास कर सकती है। तो बच्चे घात वर्ध्य तन्य और सुचालक इन गुणों के कारण, क्लियर है बच्चे, होने के कारण, याद रखिएगा सभी लोग, बिजली के तार इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, के कारण बिजली के तार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रसायन उद्योग में इनका क्या होता है, उपयोग होता है, एवं रसायन उद्योग में उपयोग होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि इन खूबियों के कारण तांबे का प्रयोग बिजली के तार बनाने में है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी है और रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। क्लियर है, ठीक। और अगर इसके उत्पादक की अगर आप बात करें बच्चे, अगर हम तांबे के उत्पादन की अगर बात करें, तो एक क्षेत्र है बच्चे बालाघाट, क्या नाम है इसका, बालाघाट, जो मध्य प्रदेश में है, लगभग पूरे देश का 52% उत्पादन कहां से होता है बच्चे, बालाघाट से, जो कि क्या है, मध्य प्रदेश में है। तो देख सकते हैं कि तांबे के उत्पादन अकेले बालाघाट बच्चे आधा से अधिक 52% का उत्पादन करता है, जो कहां है, मध्य प्रदेश में। उसी तरह बच्चे झारखंड के सिंहभूम में भी जमकर अच्छे से तांबा मिलता है। सिंहभूम कहां है बच्चे, झारखंड में, वहां भी मिलता है। और फिर बच्चे राजस्थान के खेतरी, खेतरी कहां पर है बच्चे, राजस्थान। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के खेतरी में भी क्या है, हमें तांबा मिल जाता है। तो हम देख सकते हैं कि तांबे की खूबियां क्या है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, तो सब कुछ पढ़ो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।